हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो देखिए, ये एक आपका 15 डेज क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स इसका नाम क्यों है? क्योंकि ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट अभी तक कोई भी वीडियोस नहीं देख पाए हैं, नए हैं चैनल पे, और जिनके पास बहुत कम टाइम बचा है, ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, तो उनके लिए स्पेशली ये कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं और आपने काफ़ी सारी वीडियोस देख रखी है या सारी ही वीडियोस देख रखी है, तो आपके लिए ये एक रिवीजन कोर्स है। आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, तो इसलिए ये वीडियो या ये कोर्स आपको फॉलो करना चाहिए। तो चलिए फिर देखते हैं इस कोर्स के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो 15 डेज क्रैश कोर्स है या आपका रिवीजन कोर्स है, और इसमें बेसिकली हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मतलब कोई भी यूनिट में, जो यूनिट में जो भी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, हम सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे। सारे टॉपिक्स मैं कवर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अगेन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम कवर कर लें। इसके बाद मैं इसमें डिस्कशन भी करूँगी जो एक्सपेक्टेड MCQs होगा। मैं कोशिश करूँगी कि हर क्लास में मैं ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आपको कराऊँ, और उसके अलावा इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से, किस सेक्शन पे फोकस करके या किन चीज़ों पे फोकस करके आप इजीली अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक या इस पर्टिकुलर यूनिट में। ओके, देन क्या आपका लर्निंग आउटकम होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि देखिए, क्रैश कोर्स या कोई भी कोर्स ये नहीं बोल सकता है कि आपको आप 100% सक्सेस मिलने की गारंटी वो दे रहे हैं। तो इसलिए ऑफ कोर्स मैं भी ये कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद आप GRF क्वालिफाई कर लेंगे या ऐसा कुछ कर लेंगे। तो देखिए, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं है, बट ऑफ कोर्स अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं कवर किया हुआ है और आप एग्ज़ाम के लिए कम्प्लीटली रेडी नहीं हैं, तो ये आपका कोर्स काफ़ी हद तक आपके अंदर का जो ये डर है वो ख़त्म कर देगा, और आप काफ़ी तरीके से एग्ज़ाम रेडी बन जाएंगे। तो और जितने भी ओल्ड लर्नर्स हैं, उनके लिए ये कोर्स एक रिवीजन होगा, और वो अगेन उनको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी रिवीजन करने में। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो हो सकता है वो भूल चुके हो, बट उनको इस कोर्स से रिकॉल हो जाएगा। एंड क्विक टॉपिक नरेशन है बेसिकली न्यू लर्नर्स के लिए। मैं सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाऊँगी कोई भी टॉपिक के अंदर, जितने भी मैंने टॉपिक्स आपको बेसिक वीडियोज़ में प्रोवाइड किए, बेसिक वीडियोज़ मतलब वो वीडियोज़ जो ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं, तो उन वीडियोज़ में मैंने बहुत ही एक्सटेंसिव वे में हर चीज़ें प्रोवाइड करी है, हर टॉपिक प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे उसी का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रहेगा या एक क्विक नरेशन रहेगा। ओके, तो आज आपका डे वन है इस टॉपिक का, एंड ये जो आज का टॉपिक रहेगा आपका, ये टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि यूनिट वन है, उसके कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने आज कवर किए हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड मैं 2 डेज में कम्प्लीट करूँगी, तो ये आज आपका फर्स्ट डे है टीचिंग एप्टीट्यूड का। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उसमें आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस आता है, टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड आता है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मेथड्स आता है, CBCS एंड CBT आता है। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मेथड के अंदर ही आपका स्वयंप्रभा एंड MOOC वाले टॉपिक्स भी आएंगे। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो अगर आपने अभी तक ये टॉपिक्स की बेसिक वीडियोस नहीं देखी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास टाइम हो और अगर आप देख पाएँ, तो इनकी जो बेसिक वीडियोज़ हैं उनको भी देख लें। बाकी टॉपिक्स अगर आप एक बार स्किप करना चाहते हैं तो कर दीजिए, बट इन टॉपिक्स को डेफिनेटली स्किप मत करिए। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए जो पहला टॉपिक है इस यूनिट का वो है आपका टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल ऑफ टीचिंग, करेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, जिसमें आपके जितने पुराने टॉपिक्स थे, मतलब जितना आपका पुराना सिलेबस था, वो सारा कुछ इसमें मान लीजिए आपकी कवर है। तो अगर आप इससे पहले भी नेट के एग्जाम में अपीयर किए हैं, तो आपको एक आइडिया होगा कि बेसिक टॉपिक में क्या क्या हो सकता है, बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो अगेन, जो बेसिक टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, आपकी थिंकिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं कि किस तरीके से आप सिचुएशन को जज करेंगे। उनके लिए जो ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे, तो उनके लिए एक
पॉइंट है मेरे पास वो ये है कि आपको टीचर को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करना है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आप अगर मान लीजिए कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आपको दी गई हैं, कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन है, तो आपको वो बातों को कंसीडर करना है जो आपको लगता है कि बीइंग अ टीचर आपको वैसे बिहेव करना चाहिए। अगेन मैं यही बोलूँगी कि पॉजिटिव टीचर के साथ या टीचिंग के साथ हमेशा पॉजिटिव चीज़ें होंगी, लर्निंग वाली चीज़ें होंगी, डेवलपमेंट के पे हम फोकस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पर आपको फोकस करना है फॉर द बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन जहाँ तक इस एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, जो कि पुराने पैटर्न पे बेस्ड थे, बट स्टिल हम वन क्वेश्चन को कंसीडर कर सकते हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जो कि पूरी तरीके से ईजी होगा और पूरी तरीके से आपका पुराने सिलेबस जैसा होगा। ओके, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो ये जो आपका वन क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन मैं आपकी बात कर रही हूँ, उसको सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग को कवर किया है। हो सकता है वो वन क्वेश्चन आपका मैक्सिम ऑफ टीचिंग से आ जाए, तो इसमें मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग को जस्ट आप रिवाइज कर लीजिए। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, नोन टू अननोन होता है, सीन टू अनसीन होता है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है, एम्पेरिकल टू रैशनल होता है, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस एंड एनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी। ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद कर लेने हैं, इन पॉइंट्स को आपको समझ लेना है, और एग्जाम के लिए ये पॉइंट्स आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका वो जो वन क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ जो कि आपका कुछ कुछ पुराने सिलेबस पे बेस्ड होगा, वो आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या होता है कि टीचिंग में हमेशा हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम सिंपल चीज़ें सीखते हैं और प्लस उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीखते हैं। अगेन अगर देखिए ये सारी चीज़ें आपको पता है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्या होता है, नोन टू अननोन क्या होता है, तो आप वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके फॉरवर्ड करते जाइए, उससे आप मतलब चीज़ों को स्किप भी नहीं करेंगे और अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आप बोर भी नहीं होंगे। देन नोन टू अननोन की अगर हम बात करें, पहले हम नोन चीज़ें पढ़ते हैं, पहले हम नोन की तरफ देखते हैं, उसके बाद ही हम अननोन की तरफ बढ़ते हैं। सीन टू अनसीन, जिनके बारे में हमें पता है वो हम पहले देखते हैं, जिनको हमने देखा हुआ है वो हम चीज़ें पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम अनसीन की तरफ जाते हैं। ओके, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पहले कॉन्क्रीट रीजंस पढ़ते हैं, कॉन्क्रीट चीज़ें पढ़ते हैं जो फिक्स्ड है उनके बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग की तरफ जाते हैं। एम्पेरिकल टू रैशनल, सेम चीज़ ही है, पहले हम एम्पेरिकल चीज़ें पढ़ते हैं, उसके बाद हम रैशनल थिंकिंग के ऊपर ड्रॉ करते हैं कि किस तरीके से हम एम्पेरिकल के बेसिस के ऊपर किस तरीके से हम और ज़्यादा रैशनल चीज़ें पढ़ सकते हैं। देन आपका आता है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, हम अपने सेंसेस को ट्रेन करते हैं, जितने भी सिक्स सेंसेस होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है लर्निंग में। टीचिंग का मतलब ये होता है कि आपकी सेंसेस को डेवलप करना, आपके सेंसेस को वर्केबल बनाना और उनको बेटरमेंट की तरफ लेके जाना। एनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी, हमेशा टीचिंग में जो टीचर होता है वो स्टूडेंट को हमेशा सेल्फ स्टडी की तरफ ही इंक्लाइंड करेगा। टीचिंग का मतलब होता है डेवलपमेंट करना, स्टूडेंट को इस लायक बनाना कि वो खुद से चीज़ों को पढ़ सके, खुद से वो स्टडी कर सके, टीचर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अगेन अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, आपको इस वीडियो से नहीं समझ में आ रहा है, तो बेसिक वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से आप इस टॉपिक को भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपका अगेन पहले टॉपिक से रिलेटेड है, जो आपका टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल ऑफ टीचिंग है, करेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे इस टॉपिक में किन लोगों को गेनिंग हैंड मिल जाएगा, किन लोगों के लिए ये टॉपिक ईजी हो जाएगा, तो अगर आपने बीएड कर रखा है, अगर आपने कोई ऐसा एग्जाम दे रखा है जो कि टीचिंग से रिलेटेड है, जैसे कि आपका सीटेट हो गया, टीईटी हो गया, तो आपने काफ़ी कुछ इस चीज़ के बारे में पढ़ रखा होगा। फिलॉसफी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ रखा होगा, एजुकेशन फील्ड के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने पढ़ रखा होगा, तो उनके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा ईजी है, तो आप स्किप कर सकते हैं ये टॉपिक को, आप वीडियो थोड़ी आगे बढ़ा सकते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं यहाँ पर ये चार्ट दे रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये चीज़ें याद कर लीजिए, कैसे भी करके आपको ये चीज़ याद करनी ही करनी है। जहाँ तक मुझे लगता है हो सकता है कि आपकी मतलब पॉसिबिलिटी है कि वन क्वेश्चन आपका एक ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें थ्योरीज हों और उनके प्रोपोनेंट के नेम हों, मतलब किन्होंने उनको डेवलप किया था, कौन उस थ्योरी को सामने लेकर आए थे, किसने उस थ्योरी में काम किया है, तो इस तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, तो मैच करने वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे आपको थ्योरी दी होगी, उसके बाद आपको यहाँ पे नाम दिया होगा
अलग अलग, और आपको कोड चूज करने होंगे और आपको करेक्ट कोड बताने होंगे। तो ये एक क्वेश्चन इस थ्योरी से आने की पॉसिबिलिटी है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते थे और थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं अगेन न्यू पैटर्न में भी। ओके, तो थ्योरी से आपकी पहला आपका है मेमोरी लेवल थिंकिंग, तो सॉरी मेमोरी लेवल टीचिंग। तो ये जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है, ये थ्री लेवल्स ऑफ टीचिंग है, ये किसने दिया था इनको, इसके बारे में बताया हुआ है। MLT जो कि मेमोरी लेवल टीचिंग होता है, ULT दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, एंड RLT दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। ये आपका जो तीनों लेवल है, ये अगेन इस बार भी सिलेबस में कवर्ड है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं। हर्बर्ट, मॉरिसन एंड हंट, इनके नेम्स आप याद कर लीजिए, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी ये याद कर लीजिए। उसके बाद आपका आता है लर्निंग डेवलपमेंट थ्योरी, जिसको हम चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ते हैं एंड पैडागॉजी में पढ़ते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगेन हो सकता है कि इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपसे ना पूछे जाएं, बट हमें अपने मतलब उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, तो इसलिए आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये पढ़ लीजिए। बिहेवियरिज्म को जॉन लॉक ने दिया था, मेटर्नलिस्टिक बिलीव्स को जीन जोकॉस रोजर्स ने दिया था। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, आपको इन नेम्स को याद करने हैं और इन थ्योरीज़ को याद करनी है। इस पर मैंने वीडियो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, बेसिक वीडियो। तो यहाँ पे मैं क्यों ये दे रही हूँ टेबल, ताकि आपको याद करना इजी हो जाए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं, और किसी तरीके से इसमें हेल्प नहीं हो सकती आपकी, आपको याद ही करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आपका आता है लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स, एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर। तो यहाँ से आपके टॉपिक स्टार्ट होते हैं, जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस्ड टॉपिक हैं, जिनके बारे में कहीं पे भी बताया नहीं गया था और अचानक से ये टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिए गए। तो इस पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस दी हैं, आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इस वीडियो को बनाए हैं, जो बेसिक वीडियोज़ हैं। तो अगर आपसे हो सके तो आप जो न्यू टॉपिक वाले बेसिक वीडियोज़ हैं उनको तो ज़रूर ही कवर कर लीजिएगा मेरे चैनल पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो उनके जो मेन पॉइंट है मैं वो यहाँ पे कवर कर देती हूँ। लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स जो हैं एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर की अगर हम बात करें, तो चार करेक्टरिस्टिक्स ये आपके ऑलरेडी सिलेबस में मेंशनड है, जिसमें आपका कॉग्निटिव आता है, एकेडमिक आता है, इमोशनल आता है एंड सोशल आता है। अब आपको करना क्या है, अब आपको वीडियो पॉज करनी है और आपको ये याद करना है कि कॉग्निटिव का मीनिंग क्या होता है, एकेडमिक का मीनिंग क्या होता है, इमोशनल का मीनिंग क्या होगा एंड सोशल में किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। तो अगर आप ओल्ड लर्नर हैं, आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो आप इसको वीडियो पॉज करके और आप खुद को पूछे क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी। न्यू लर्नर्स के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे रिलेटेड होती है, जिसमें आपकी मेमोरी हो गया, मेंटल प्रेशर हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, इंटेलेक्चुअल स्किल्स हो गई, रिमेम्बरेंस हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गई एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द ब्रेन हो गया। तो जितनी भी चीज़ें जो कि आपके मेमोरी लेवल से रिलेटेड होंगी, जो कि आपके इंटेलेक्चुअल लेवल से रिलेटेड होंगी, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो लर्नर में होंगी वो आपके आएंगी कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स में। क्वेश्चन किस तरीके का फ्रेम होगा यहाँ पे, तो देखिए जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछा होगा, एक करेक्टरिस्टिक दी गई होगी आपको, कोई भी मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई करेक्टरिस्टिक दे दी गई, और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, और वहाँ पे ये भी फीचर रहेगा, एक एडल्ट लर्नर या एडोलसेंट लर्नर की भी फीचर रहेगी, और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा करेक्टरिस्टिक है, या आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दी जा सकती है और उसके बाद पूछा जाएगा कि इस सिचुएशन में एडोलसेंट जो लर्नर होगा वो कैसे बिहेव करेगा, या फिर जो एडल्ट लर्नर रहेगा वो कैसे बिहेव करेगा। इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके के प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स कैन बी आस्क्ड। ओके, देन उसके बाद आपका आता है एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जहाँ पे आपको दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पोंडेंट इंक्लूड द एजुकेशन टाइप, एजुकेशन लेवल एंड नॉलेज। तो जितना भी एजुकेशन वर्ड से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो आपके आएंगे एकेडमिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में। ओके, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपकी क्या क्या चीज़ें आएंगी, इमोशनल आप समझ रहे हैं कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि इमोशन से रिलेटेड है, जैसे कि हम बोलते हैं कि जो एडोलसेंट लर्नर होते हैं उनके अंदर मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ एडल्ट लर्नर। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं कि वो कौन सा लर्नर होता है जिसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके अंदर इमोशनल इनबैलेंस होता है, इमोशनली बैलेंस्ड नहीं होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं इमोशनली, तो वो आपके होंगे एडोलसेंट लर्नर। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि इस बार आपसे जितने भी न्यू टॉपिक्स हैं उसके बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपकी बेसिक नॉलेज को चेक करेंगे, ज़्यादातर आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को चेक किया जाएगा। ओके, देन आपका आता है सोशल करेक्टरिस्टिक्स। सोशल करेक्टरिस्टिक्स में वो सारी चीज़ें जो आपकी सोसाइटी या कल्चर या वैल्यूज से रिलेटेड हैं उनको हम सोशल करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, जिसमें आपकी मॉरल इश्यूज भी आती हैं, वैल्यूज भी आती हैं, कल्चरल भी आती हैं, रिलीजियस इशूज़ भी आती हैं, पॉलिटिक्स भी आती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे अगर हम एडल्ट लर्नर की बात करें तो एडल्ट लर्नर जो होता है वो सोशली काफ़ी स्टेबल होता है, उसके जो बिलीव्स होते हैं, जो आइडियाज़ होते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं, वो जल्दी जल्दी अपनी बिलीव्स एंड आइडियाज़ नहीं चेंज करता है। जैसे आप अगर अपने खुद के एग्जाम्पल लीजिए तो हो सकता है आज से 10 साल पहले आप किसी और को फॉलो करते हो एज अ लीडर, बट लेटर ऑन आपको रियलाइज़ हुआ हो कि नहीं, ये पर्सन सही नहीं है एंड आई वॉज रॉन्ग, और उसके बाद आपने अपनी जो आपकी थिंकिंग है वो शेप की हो। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपकी मतलब उस टाइम पे आप एडोलसेंट थे तो आपकी लर्निंग या थिंकिंग दूसरी तरीके की थी, अभी आप एडल्ट हो तो आपकी थिंकिंग दूसरी तरीके की है। एडोलसेंट लर्नर का हर चीज़ जो थिंकिंग वगैरह होती है या इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स होती है या सोशल करेक्टरिस्टिक्स होती है वो अनस्टेबल होती है, और वो दूसरों को देख के फॉलो करते हैं, वो किसी को आइडियल मानते हैं और उसके बेसिस पे ही अपनी जो थिंकिंग है या अपने जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका हो गया सोशल करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहाँ से आया है टॉपिक और किसको यहाँ पे गेनिंग हैंड होगा, तो यहाँ पे जो भी साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत इजी हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने पढ़ा हुआ है। कुछ कुछ इजी ये उन लोगों के लिए भी होता है जिन्होंने HRM पढ़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ते हो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन दो तरीके के स्टूडेंट्स ने को ये टॉपिक इजी लगेगा, बाकी सारे लोगों के लिए मैंने इंडिविजुअल डिफरेंस पे वीडियो दी थी, तो एक जो ब्रीफ में है चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं वो दो तरीके के होते हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बट उससे पहले एक चीज़ ये डिफरेंस बात कर लेते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस आखिर होता क्या है। तो देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस कि अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से ही अलग अलग लर्नर्स के अलग अलग लर्निंग कैपेसिटी होती हैं और वो दूसरी तरीके से हर चीज़ दूसरी दूसरी तरीके से सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं टीचर हूँ, मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, बट मैं वहाँ पे देख रही हूँ कि हो सकता है जो पर्सन ए है उसकी लर्निंग कैपेसिटी पर्सन बी से कम्प्लीटली डिफरेंट है। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? तो इसका रीज़न ये है उनका इंडिविजुअल डिफरेंस। इस डिफरेंस को ही हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं क्योंकि हर किसी के अंदर जो लर्निंग की कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है, और इसीलिए एक टीचर को डिफरेंट वे में चीज़ों को डिज़ाइन करना पड़ता है, करिकुलम को मोल्ड करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है ताकि हर एक लर्नर के लिए वो सूटेबल हो। ओके, यहाँ पे आपके जो पर्सन हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं या किसी के अंदर लर्निंग डिसऑर्डर है वो भी यहाँ पे आते हैं, उनके लिए भी हमें अलग तरीके से लर्निंग को डिज़ाइन करना पड़ता है, हमें अपने करिकुलम में चेंज करना पड़ता है या लर्निंग जो सॉरी टीचिंग टेक्निक्स जो हैं टीचर की वो भी हमें चेंज करना पड़ता है। तो अब आपका आ जाता है कि इंडिविजुअल जो लर्निंग डिसऑर्डर है, लर्निंग डिसऑर्डर के ऊपर भी मैंने आपको वीडियो दी थी किस टाइप ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, तो वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो। अदरवाइज हेरिडिटी और एनवायरनमेंट मैंने आपको बताया कि दो फैक्टर्स होते हैं जो कि पर्सनैलिटी को शेप करते हैं, मतलब किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी कैसे बनती है तो उसके दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है आपका हेरिडिटी एंड दूसरा होता है आपका एनवायरनमेंट। हेरिडिटी में क्या क्या चीज़ आती है? हेरिडिटी मतलब जीन्स, जेनेटिक, जेनेटिक या अपनी जीन्स से क्या चीज़ें पा रहे हो और उसकी वजह से किस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी ग्रो कर रही है, एक पर्सनैलिटी शेप कर रही है, वो सारी चीज़ें आपके हेरिडिटी में आएंगी। तो बेसिक कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि इसमें कवर होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो पहला है आपका इंटेलिजेंस, ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे साइंटिफिक इशूज़ मतलब रिसर्च हो चुके हैं उसमें ऐसा देख बोला जाता है कि अगर किसी बच्चे के मम्मी पापा तेज़ दिमाग के होते हैं या वो शार्प होते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनके बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं, जिसका एग्जाम्पल आप डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में देख सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है फिजिकल कंडीशन, जो फिजिकल कंडीशन होती है या किसी के बॉडी का लुकअप कैसा है, वो दिखता कैसा है, उसकी फिजिकल पर्सनैलिटी कैसी है, वो भी कहीं ना कहीं उसके जीन्स से आती है। जैसे हमें पता है कि जो लोग ब्राउन होंगे उनके बच्चे ब्राउन होंगे, जो वाइट हैं उनके बच्चे वाइट हैं,
या ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स टॉल होते हैं उनके बच्चे टॉल होते हैं, तो इस तरीके से जो आपकी फिजिकल कंडीशन है वो आपकी हेरिडिटी से बनती है। नेक्स्ट आपका आता है एप्टीट्यूड एंड स्पेशल टैलेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ स्पेशल टैलेंट होता है या उनका एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग होता है, जिससे हम बात करें कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, या उनके अंदर स्पेशल ड्राॅइंग का टैलेंट होता है, या ऐसा भी होता है कि अगर किसी की मदर बहुत अच्छा बहुत अच्छी सिंगर होती है, बहुत अच्छा गाना गाती है, तो उनके बच्चे के अंदर भी वॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये भी आपकी हेरिडिटी की वजह से आती है। नेक्स्ट आपका जेंडर, एज, टेम्परामेंट, इंट्रोवर्शन, एक्सट्रोवर्शन, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके जीन्स से रिलेटेड है। और ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसे बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं और उन बेसिस पे ही ये पॉइंट्स आपके सामने हैं। उन्होंने उन रिसर्च से हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके हेरिडिटी इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। उसके बाद आपका आता है एफर्ट मेकिंग कैपेसिटी। आप कितनी ज़्यादा किसी भी चीज़ में कितना ज़्यादा एफर्ट लगाते हो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और वो बहुत सारे आवर्स तक स्टडी करते हैं, तो वो एफर्ट मेकिंग भी कहीं ना कहीं आपके जीन्स में आती है। नेक्स्ट आपका आता है क्रिमिनल टेंडेंसी। क्रिमिनल टेंडेंसी भी ये प्रूव हो चुका है कि क्रिमिनल टेंडेंसी भी जीन्स से क्रिएट होती है, तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट आपका आता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में क्या चीज़ें आएंगी? देखिए, सारी चीज़ें आपकी हेरिडिटी में आएंगी। उसके बाद की जो बची चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए फैमिली बैकग्राउंड हो गया, कम्युनिटी बैकग्राउंड हो गया, स्कूल हो गया, सोशल बैकग्राउंड हो गया, ये सारी चीज़ें आपके एनवायरमेंट में आएंगी, सोसाइटी आपके एनवायरमेंट में आएगी। हमें पता है कि किस तरीके से सोसाइटी हमारे पर्सनैलिटी को शेप करने में हेल्प करती है। मतलब आप अगर एक पर्टिकुलर सोसाइटी में रह रहे हैं तो आपके सोसाइटी के क्या नॉर्म्स हैं, आप ऑफकोर्स उस सोसाइटी के नॉर्म से बाहर जाना आपको बहुत मुश्किल होगा और वो आप पर्टिकुलर सोसाइटी के नॉर्म्स को ही फुलफिल करेंगे। तो ये जो होता है, ये जो एनवायरमेंट अपनी पर्सनैलिटी को शेप करता है। जैसे आप देखिए कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि अगर वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, तो वो सब क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में ही रहते हैं। वो बहुत मुश्किल होता है कि वो अपनी कम्युनिटी को छोड़ के किसी दूसरी कम्युनिटी के साथ रहें। तो ये आपकी पर्सनैलिटी को शेप करता है, आपकी आपका एनवायरमेंट, किस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में आप रह रहे हो। ओके, देन यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान देनी है आपको कि स्कूल जो है, स्कूल यहाँ पे आपका एनवायरमेंट में आता है और स्कूल के ऊपर आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि स्कूल किस तरीके से किसी स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को शेप करता है, या स्कूल में किस तरीके से हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को टारगेट करते हैं, किस तरीके से उसको रिड्यूस करते हैं, किस तरीके से हम उसको कैटर करते हैं। तो इस पे क्वेश्चंस मैं कराऊंगी आपको, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे कराए भी हैं, आज भी मैं एक दो क्वेश्चंस आपको कराऊंगी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, तो उससे भी ये टॉपिक आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है फिफ्थ पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। ये पॉइंट भी मुझे जहाँ तक लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपके चार फैक्टर जिन्होंने बताए थे, छह फैक्टर हैं, जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गई, मैंने सोचा था कि मैं लेटर ऑन उसको ऐड कर दूंगी। तो इसमें आपके सिक्स फैक्टर्स हैं, रिलेटेड टू टीचर, रिलेटेड टू लर्नर, रिलेटेड टू लर्निंग एनवायरमेंट, रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशन, देन आपका आता है सपोर्ट मटीरियल, सपोर्ट मटीरियल, एंड लास्ट है आपका इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। तो देखिए, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। तो टीचिंग को अफेक्ट करने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि किस तरीके से क्या ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से जो टीचिंग प्लेस हो रही है, जो स्टूडेंट को टीचिंग मिल रही है, या जो टीचर टीचिंग करा रहा है, उसको इम्पैक्ट पहुंचेगा और उस वजह से टीचर जो टीचिंग है वो लेवल भी इंक्रीज हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं कि कहीं कहीं कोई ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पे बहुत अच्छी टीचिंग होती है, या कोई ऐसा टीचर होता है जो बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि वो टीचिंग को इम्पैक्ट करते हैं या इफेक्ट डालते हैं। तो उसमें क्या हो सकता है रिलेटेड टू टीचर की अगर हम बात करें, टीचर कैसा होना चाहिए? टीचर ऐसा होना चाहिए जिसको सब्जेक्ट नॉलेज हो, ठीक है, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, कम्युनिकेट करना जानता हो, वो चीज़ों को बताना जानता हो, चीज़ों को समझाना जानता हो, देन उसकी ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए जो कि जो स्टूडेंट है उसको इन्फ्लुएंस करे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इस तरीके से जो टीचर से रिलेटेड आपके फैक्टर्स होते हैं वो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा टीचर का सीरियस होना ज़रूरी होता है, या चीज़ों को अगर वो फ्रेंडली है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडली होना चाहिए टीचर को, तो ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद आता है आपका रिलेटेड टू लर्नर्स। अब लर्नर की अगर हम बात करें, लर्नर की वजह से क्यों टीचिंग इम्पैक्ट होगी? देखिए, मान लीजिए मैं लर्नर हूँ और मैं पढ़ रही हूँ, अगर मेरे अंदर ग्रास्पिंग पावर नहीं होगी, मैं चीज़ों को रिमेंबर नहीं कर पाऊंगी, या मैं चीज़ों को समझ नहीं पाऊंगी, तो
अगेन जो टीचिंग होगी वो इफेक्टिव नहीं होगी। तो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, इसके जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया होगा, वहाँ पे आपको पूछा होगा कि कैसे ये कौन सा फैक्टर है और किस मतलब ये फैक्टर कौन से कैटेगरी में आएगा। ठीक है, कुछ भी आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दी गई होगी, एक फैक्टर दिया होगा, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से कैटेगरी में आएगा। तो आपको प्रैक्टिकली सोचना है कि वो फैक्टर किससे रिलेटेड है। ओके, उसके बाद आप उसको आंसर कर सकते हो इजीली। अगेन अगर यहाँ पे ऐसे पूछा जा सकता है कि एक पर्टिकुलर आपको फैक्टर दिया है और उसके बाद पूछा जाए कि किसको ये इम्पैक्ट करेगा, देन आप वहाँ पे भी आंसर कर सकते हो। अब देखिए, अगर आप टीचर की बात करेंगे तो फैक्टर अगर कोई दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सब्जेक्ट नॉलेज है, तो सब्जेक्ट नॉलेज अगेन लर्नर के ऊपर नहीं इम्पैक्ट करेगा। अगर लर्नर के अंदर सब्जेक्ट नॉलेज है कि नहीं है ये नहीं मैटर करता है, मैटर ये करता है कि टीचर के अंदर सब्जेक्ट नॉलेज है कि नहीं है, क्योंकि लर्निंग तो उसको ही देनी है, इम्पार्ट करना लर्निंग का काम तो वही टीचर का ही है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को रिलेट करना आना चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है लर्निंग एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट में, किस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी मतलब किस तरीके से लर्निंग हो रही है। अब लर्निंग एनवायरनमेंट में आपका सोशल एनवायरनमेंट भी हो सकता है, देखिए सिर्फ स्कूल का एनवायरनमेंट नहीं, सोशल एनवायरनमेंट को भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सीरिया का, तो सीरिया और यमन में इस वक्त वॉर चल रही है, आपको पता ही है यमन की सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो आप खुद सोचिए कि जहाँ पे एक प्रॉपर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं होगा या एक प्रॉपर सोशल एनवायरनमेंट नहीं होगा, क्या वहाँ पे लर्निंग हो पाएगी? तो ऑफकोर्स नॉट। तो इस तरीके से जो लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, जिस एनवायरनमेंट में लर्निंग हो रही है, वो एनवायरनमेंट चाहे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो, चाहे सोशल एनवायरनमेंट हो, चाहे आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो, वो एनवायरनमेंट आपका बेटर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आपके इफेक्टिव टीचिंग प्लेस मतलब द इफेक्टिव टीचिंग कैन ओनली टेक प्लेस व्हेन द एनवायरनमेंट इज कम्प्लीटली पॉजिटिव। ओके, देन आपका नेक्स्ट आता है रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है यहाँ पे, देखिए जो आपका स्कूल है या जो आपका कॉलेज है जहाँ पे टीचिंग हो रही है, वो कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, वो कितना ज़्यादा एक टीचर को हेल्प कर रहा है लर्निंग इम्पार्ट करने में, और कितना ज़्यादा लर्नर को हेल्प कर रहा है लर्निंग को सीखने में। तो जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि बनाए गए होते हैं, बट वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई हेल्प अवेलेबल नहीं होती है। जो मैनेजमेंट है वो भी उसका भी इल बिहेवियर है बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है, मतलब वो जो है बहुत सपोर्टिव नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में लर्निंग ऑफकोर्स नहीं हो पाएगी। ओके, नेक्स्ट आपका आता है सपोर्ट मटेरियल। सपोर्ट मटेरियल में क्या चीज़ें होंगी? सपोर्ट मटेरियल में वो सारी चीज़ें आएंगी, टीचिंग एड्स वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें जो कि एक टीचर को हेल्प करेंगी स्टूडेंट को टीचिंग देने में। ओके, जैसे मान लीजिए कि लर्निंग आज के टाइम पे हमें पता है कि हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, और आज के टाइम में डिजिटल लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट मटेरियल नहीं है, आपके एक कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, प्रोजेक्टर नहीं है, और आपकी स्मार्ट क्लास नहीं है, तो क्या वहाँ पे इफेक्टिव टीचिंग हो पाएगी? हो सकता है वहाँ पे इफेक्टिव टीचिंग हो पाए, बट अगेन वो अप टू डेट नहीं होगी आज के जनरेशन के स्टूडेंट्स के लिए या आज के टाइम के स्टूडेंट के लिए, वो उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगी, वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इफेक्टिव टीचिंग की, हम टीचिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे इफेक्टिव टीचिंग की बात कर रहे हैं। मतलब टीचिंग तो किसी भी सिचुएशन में आप कर सकते हो, बट इफेक्टिव टीचिंग का क्या मतलब है कि आप क्या उनको उस तरीके की टीचिंग दे पा रहे हो जो उनको इस वक्त मिलनी चाहिए 21st सेंचुरी में। नेक्स्ट आपका आता है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी में वो सारी चीज़ें जो कि आपको हेल्प करती हैं इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने में, जैसे लाइब्रेरी हो गया, आपकी वर्कशॉप्स हो गई, बहुत अलग अलग तरीके के सेमिनार्स जो हो गए, तो जो भी सारी इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो अपने लर्नर्स को। जैसे बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे ऑडियो विजुअल क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं, सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट किए जाते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं, डिफरेंट एरियाज से जो स्पीकर्स होते हैं उनको बुलाए जाते हैं और वो वहाँ पे आकर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ हैं, लाइब्रेरी की सुविधा हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ में, जो कि आपको हेल्प करती हैं स्टूडेंट को। देखिए बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है सपोर्ट मटेरियल एंड स्ट्रक्चरल फैसिलिटी में, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वी कैन ओनली होप कि क्वेश्चन ऐसा ना आए जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे। तो ये आपका मतलब यहाँ पे एक हम लक का फैक्टर लेकर चल रहे हैं, हम होप कर रहे हैं कि आपको ऐसा क्वेश्चन ना पूछा जाए जहाँ पे आपको सपोर्ट मटेरियल एंड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी में प्रॉब्लम क्रिएट हो। ओके, तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा और आपको चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी।
नेक्स्ट आपका पॉइंट है, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। तो ये आपका जो टॉपिक है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि दो तरीके की टीचिंग होती है। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट सेंट्रिक एंड टीचर सेंट्रिक। बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बट ये टॉपिक कितना भी वास्ट हो सकता है। मतलब अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो इस टॉपिक का कोई एंड नहीं है। स्टूडेंट सेंट्रिक एंड टीचर सेंट्रिक टॉपिक अगर आप एक बार पढ़ने बैठ जाओगे, तो आई थिंक कितनी भी क्लासेस में ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। और जो स्कोप है, मतलब नेट के एग्जाम में आप देखते होंगे कि हर साल नए क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस कहाँ से आ जाते हैं, तो ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे ये कितने भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है। एक यहाँ पे एक ऐसे करके एक ग्राफ समझ लीजिए इसको। ये आपका हो गया टीचर सेंट्रिक और दूसरा साइड आपका हो गया स्टूडेंट सेंट्रिक। ओके, अब आपको कोई भी टेक्निक दी जाए तो आपको इसी स्केल पे देखना है कि वो कहाँ पे लाए कर रही है। ओके, कोई भी टेक्निक, मान लीजिए सेल्फ असेसमेंट नाम की एक टेक्निक आपको दी गई है और आपको बताना है कि ये क्या है, ये आपका टीचर सेंट्रिक है, ये स्टूडेंट सेंट्रिक है। तो अब आपको इसको इस स्केल पे प्लेस करना है कि ये कहाँ पे आती है। अब सेल्फ असेसमेंट की हम बात करें, मतलब स्टूडेंट अपने आप को खुद असिस्ट करता है, तो इट मीन्स कि ये यहाँ आएगी। ओके, अगर मान लीजिए हम लेक्चर की बात करते हैं, लेक्चर, अब लेक्चर कहाँ पे आएगा? लेक्चर, ऑफ कोर्स लेक्चर का मतलब क्या हो गया, टीचर जो होगा वो खुद डिसाइड करेगा कि उसको क्या लेक्चर देने हैं। लेक्चर खुद टीचर देगा, स्टूडेंट तो नहीं लेक्चर देने वाला है। हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे चेंज क्या हो लेक्चर में, कि अगर स्टूडेंट डिसाइड करे कि हाँ टीचर को आज ये लेक्चर देना है, तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट सेंट्रिक हो सकता है। बट अगर वो टीचर खुद डिसाइड करेगा कि लेक्चर देना है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, तो ये कहाँ आएगा, ये आपका टीचर सेंट्रिक में आएगा। तो ये जो स्केल मैंने आपको बताई है, ये आपको ध्यान में रखनी है, और इस तरीके से जो भी आपकी टेक्निक्स क्वेश्चन में पूछी जाएंगी, उनको आपको प्लेस करना है कि वो कहाँ पे हो सकती हैं, वो स्टूडेंट सेंट्रिक होंगी कि टीचर सेंट्रिक होगी। उसके लिए देखिए, आप कैसे समझ सकते हैं कि कोई टेक्निक स्टूडेंट सेंट्रिक होगी या टीचर सेंट्रिक होगी, तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी काम आएगी, आपने कितना पढ़ रखा है, आपको कितना नॉलेज है इस फील्ड का, वो आपका डिपेंड करता है। ऑफकोर्स आप सब लोग टीचर बनना चाहते हो और एजुकेशन के फील्ड में हो, एजुकेशन के फील्ड में जानना चाहते हो, तो इतना मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको काफ़ी सारी टेक्निक्स जो हैं वो पता हैं और आप उनके लिए प्रिपेयर हो। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो 50+ टेक्निक्स मैंने अभी तक पढ़ी हैं, जो कि आपकी मेथड्स ऑफ टीचिंग में आती हैं। जितने तरीके के मेथड्स ऑफ टीचिंग आप यूज़ कर सकते हो इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग में, तो 50+ टेक्निक्स को यहाँ कवर करना और उनको डिवाइड करना स्टूडेंट सेंट्रिक टीचर सेंट्रिक में, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगेन आपके लिए मैं यहाँ पे ट्रिक ये दे रही हूँ कि आपको कोई भी टीचिंग इंस्ट्रक्शंस को, मतलब मेथड को, उसको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि वो टीचर सेंट्रिक है या स्टूडेंट सेंट्रिक है। उसके लिए आप प्रैक्टिकली सोचिए, कोई भी सिचुएशन, अगर डेमोन्स्ट्रेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन कौन देगा, टीचर देगा, तो ऑफकोर्स वो टीचर सेंट्रिक होगी। स्टूडेंट क्या करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन में, वो सिर्फ देख सकते हैं उसको, राइट। अगर कोई चीज़ ऐसी है जैसे प्रोजेक्ट हो गया, असेसमेंट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, ओके, जस्ट टॉक अबाउट प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट क्या, प्रोजेक्ट देता टीचर है, बट करता कौन है, स्टूडेंट करता है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट सेंट्रिक होगी। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, मेथड्स आपको दिए होंगे, आपको वहाँ पे देखना है कि क्या है, ये लर्नर सेंट्रिक है या टीचर सेंट्रिक है। उसके बाद उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे, वो क्वेश्चन आप उसी अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। ओके, अब मैंने जितने पॉइंट्स मुझे आज कवर करने थे, जितने टॉपिक्स कवर करने थे, वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मेथड, और जिसमें आपका आएगा स्वयं, स्वयंप्रभा एंड मूक्स, उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आपके जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, और सारे आपके जो पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाएंगे। तो इसके बाद अब हम 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं, बट उससे पहले आप मुझे ये बता दीजिएगा कमेंट करके कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, ये आपको हेल्पफुल है या नहीं है, इसमें और आप क्या ऐड ऑन कराना चाहते हैं। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो बहुत सारी चीज़ें तो हम नहीं कवर कर पाएंगे, क्योंकि उतना टाइम PPT बनाना और उसके बाद क्लासेस रिकॉर्ड करना और फिर आपको देना, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसी हिसाब से आप अपनी जो व्यूज़ हैं वो शेयर करिएगा और मुझे बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है, ईच चाइल्ड ग्रोज इन इट्स ओन यूनिक वे, द वाइड इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर कॉज्ड बाय। तो ये सबसे पहले ये देखते हैं कि ये टॉपिक कौन से टॉपिक्स हैं। तो आपको पता है ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक है। तो ये बोल रहे हैं कि हर एक बच्चा जो होता है वो अपने हिसाब से यूनिक वे में ग्रो करता है, और ये जो रीज़न होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, वो किसकी वजह से
कॉज होता है, मतलब क्यों ये होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस. तो ऑप्शन ए है आपका हेरिडिटी, ऑप्शन बी है आपका एंडाउमेंट, एंड आपका थर्ड है सी दैट इज एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, एंड डी है आपका ऑल ऑफ दीज. तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही इजी तरीका है. देखिए एंडाउमेंट आपको नहीं पता है कि क्या होता है, हेरिडिटी आपको पता है कि हेरिडिटी आएगा इसमें, और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस भी आएगा. मैंने आपको बताया ये कि एनवायरमेंट भी आता है, तो ऑफकोर्स ऑल ऑफ दीज तो आंसर होगा ही होगा, क्योंकि मोर देन वन फैक्टर ऐसा है जो कि इसमें आ रहा है. तो राइट आंसर आपका होगा ऑल ऑफ दीज. ओके, तो राइट आंसर हो गया आपका डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडिविजुअल अटेंशन इज इम्पॉर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज. अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस या की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल अटेंशन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है. तो अगेन ये जो आपका क्वेश्चन है ये इंडिविजुअल डिफरेंस का ही है. इसमें बोला है कि इंडिविजुअल अटेंशन हम क्यों देते हैं. तो मैंने जब आपको बताया था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टीचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर एक बच्चे को वो इंडिविजुअल अटेंशन दे, उनकी लर्निंग कैपेसिटी को समझे और उसी के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाए. तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑप्शन देखे क्या क्या है. ऑप्शन ए है आपका लर्नर्स ऑलवेज लर्न बेटर इन ग्रुप, ऑप्शन बी है आपका टीचर लर्निंग प्रोग्राम प्रिस्क्राइब्ड, ऑप्शन सी है आपका इट ऑफर्स बेटर अपॉर्चुनिटी टू टीचर टू डिसिप्लिन ईच लर्नर, एंड ऑप्शन सी है आपका चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली. तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा ये, दैट इज चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली, जिसको कि हम इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज. किस मेथड के थ्रू हम स्टूडेंट के अंदर या बच्चे के अंदर उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पा सकते हैं. तो अब ये क्या है, ये टॉपिक कहाँ से आया है, ये टॉपिक आपका बेसिक टॉपिक से आया है. जो पहला मैंने आपको बताया था जिसमें मैंने आपको लर्निंग थ्योरीज बताई थी, तो वो जो लर्निंग थ्योरीज है उसका ये टॉपिक है. अगर आपने लर्निंग थ्योरीज पढ़ी होगी तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे. तो ये आपका आ जाता है राइट आंसर डेवलपमेंटल मेथड. डेवलपमेंटल मेथड के थ्रू ही हमें पता चल पाता है कि किस तरीके से एक बच्चे के अंदर, एक चाइल्ड के अंदर किस तरीके से ग्रोथ हो रही है एंड डेवलपमेंट हो रही है. ओके, नेक्स्ट. ओके, एंड वन थिंग मोर, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि इस बार का जो एग्ज़ाम है आपका 2019 का, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड आएंगे. जैसे पहले हमने देखा है नेट में ज़्यादातर वो क्वेश्चंस आते थे जो कि आपके कहीं ना कहीं एलिमेंट्री एजुकेशन या प्राइमरी लेवल के एजुकेशन से भी रिलेटेड थे. बट अब क्या होगा, अब आपके ज़्यादातर क्वेश्चन हायर सेकेंडरी एंड हायर लेवल के एजुकेशन के पैटर्न पे ही पूछे जाएंगे. तो इसको भी आप फोकस करके रखिएगा. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अ ब्लेंडेड मॉडल अलाउज स्टूडेंट टू चूज द टाइम एट विच दे डू देयर ऑनलाइन लर्निंग, द पाथ दे वॉन्ट टू लर्न अ कॉन्सेप्ट, और इवन द लोकेशन फ्रॉम विच दे वॉन्ट टू कम्प्लीट द ऑनलाइन वर्क. तो ये क्या है आपका, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है. तो ब्लेंडेड मॉडल क्या है आपका, ये भी आपका मेथड ऑफ टीचिंग है. तो इसमें आपका राइट आंसर आता है ए, दैट इज ट्रू, ये सही है. जो ब्लेंडेड मॉडल होता है उसमें जो स्टूडेंट होता है वो कहीं भी कभी भी पढ़ सकता है और अपने हिसाब से कर सकता है. अब ब्लेंडेड मॉडल है क्या, स्टूडेंट सेंट्रिक है या टीचर सेंट्रिक है. ऑफकोर्स ये आपका स्टूडेंट सेंट्रिक है. ओके, नेक्स्ट आपका है वन गोल ऑफ डिफरेंशियल साइकोलॉजी इज टू आइडेंटिफाई विच इंडिविजुअल डिफरेंसेज आर डैश. देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस जो टॉपिक है आपका, ये डिफरेंशियल साइकोलॉजी का टॉपिक है. साइकोलॉजी तो इस टॉपिक से डर मत जाएगा कि डिफरेंशियल साइकोलॉजी में हमने क्या ये टॉपिक बड़ा सा लिख दिया, ये क्या चीज़ होती है. तो ये आपका सेम ही है, एजुकेशन फील्ड में आपको डिफरेंशियल साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है. उसमें ये पढ़ाते हैं कि किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके डिफरेंट होते हैं थिंकिंग में, तो इट मीन्स कि वो इंडिविजुअल डिफरेंस से ही रिलेटेड होता है. तो इसमें हम करते क्या हैं, हम पढ़ते क्या हैं, इसमें हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ऐसी मतलब चीज़ें हैं वो एबनॉर्मल है स्टूडेंट्स के अंदर. मतलब मान लीजिए कि स्टूडेंट ए और बी, दो तीन स्टूडेंट है आपके क्लास में, और उनके अंदर आप ये देखोगे कि कौन ऐसा स्टूडेंट है जो एबनॉर्मल उसके अंदर है. अगर मान लीजिए ये चाइल्ड ऐसा है, ये मतलब आपकी बातें मानता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है, पढ़ता नहीं है, तो ये क्या होगा, ये इसके अंदर कुछ एबनॉर्मल डिफरेंस होगा. तो वो चीज़ें आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उसको टीच करना, ओके, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ओके, तो आपका राइट आंसर होगा बी, दैट इज एबनॉर्मल. एबनॉर्मल जो डिफरेंसेस होंगे उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उसकी थिंकिंग के बेसिस पे ही हम चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वन गोल ऑफ टीचिंग इज टू आइडेंटिफाई द आस्पेक्ट ऑन विच पीपल डिफर. तो ये आपका क्या होता है कि टीचिंग का क्या एक गोल होता है जिसमें हम वो पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि किस बेसिस पे जो लोग होते हैं वो डिफर करते हैं. तो राइट आंसर है आपका डी, दैट इज कॉमन. कॉमन आस्पेक्ट देखते हैं कि कौन से ऐसे कॉमन आस्पेक्ट हैं जिन पे लोग डिफर कर रहे हैं. ओके,
इन क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ, उसके साथ साथ अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश भी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेचर एंड नर्चर रिफर्स टू, नेचर एंड नर्चर क्या आता है? तो ये नेचर एंड नर्चर जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट वाला, जो कि शेपिंग पर्सनैलिटी में मैंने आपको बताया था। तो राइट आंसर है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस वाला टॉपिक था ये, तो ऑप्शन डी है आपका हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। इसके थ्रू ही नेचर इंसान को बनता है और उसी तरीके से वो नर्चर होता है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी किस तरीके से शेप करती है। ओके, एट्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस? क्या रोल होता है टीचर का, जिस तरीके से टीचर जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मीट कर सकता है या उससे कम अप पा सकता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है ट्राई टू नो द एबिलिटी इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल। ऑप्शन बी है आपका ट्राई टू एडजस्ट द करिकुलम एज पर द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। सबसे पहले लोगों की नीड को, एबिलिटी को, इंटरेस्ट को देखना, उसके बाद जो वो बच्चा है, जो इंडिविजुअल है उसकी, अब मैं यहाँ पे बच्चा बोल रही हूँ तो मैं सबको बोल रही हूँ, मैं हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को भी बोल रही हूँ और एलिमेंट्री, दोनों ही चीज़ें मैं कवर कर रही हूँ। तो उस हिसाब से आप सोच सकते हैं, आप ये नहीं सोच सकते कि इंडिविजुअल डिफरेंस सिर्फ एलिमेंट्री लेवल पे है, हायर सेकेंडरी एंड जो आपका हायर एजुकेशन सिस्टम होता है वहाँ पे भी हम इंडिविजुअल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं। ओके, तो फिर उसके बाद हम उस तरीके से करिकुलम को एडजस्ट करते हैं उसके एबिलिटी एंड इंटरेस्ट के बेसिस पे। तो राइट आंसर आपका होगा सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्रू प्रोसेसेस इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें हम वो फील्ड ऑफ स्टडी जिसमें हम प्रोसेस के थ्रू चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते हैं, रिमेंबर करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंक्लूड करते हैं एंड डिसीजन मेकिंग को भी करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये आपका मैंने आपको बताया था जो फीचर्स की बात करी थी, जो हमने कि फीचर्स क्या होते हैं, उसके फीचर्स रिलेटेड टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर से ये रिलेटेड है, और इसमें आपका जो पहला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो आपका यहाँ पे आता है। ओके, करेक्टरिस्टिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू जीन पिगेट चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग। तो इसमें आपको बताना है कि कब वो करते हैं, डेवलप करते हैं जीन पिगेट के अकॉर्डिंग। तो ये आपका लिया गया है जो मैंने थ्योरीज बताई थी, थ्योरीज ऑफ लर्निंग का क्वेश्चन है ये। अगर आपने थ्योरीज ली होंगी तो ये आप क्वेश्चन पढ़ी होंगी तो ये आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, अगर नहीं पढ़ी होगी तो ऑफकोर्स आप नहीं कर पाएंगे इसको। तो राइट आंसर है आपका सी, दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो अगेन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है, मतलब लर्निंग थ्योरीज करना, बट लर्निंग थ्योरीज से शायद एक ही क्वेश्चन आपका आना चाहिए, वो भी आएगा या नहीं आएगा वो भी हम कह नहीं सकते हैं। हो सकता है हर हर एग्जाम में ना आए, हो सकता है किसी किसी उसमें आ जाए, किसी किसी पेपर में आ जाए। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसको कवर कर लीजिए, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो आपने ऑफकोर्स कवर करा ही होगा। तो ये आपकी आज की क्लास थी, ये आपकी डे वन की क्लास थी, टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट वन। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बेसिक चीज़ें आपको रिवाइज हो गई होंगी। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।